जी, मैंने लाहौर से कुछ डैफोडिल्स बाय किए हैं ग्रीन फॉर्म से। ये इनका नाम और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप भी बाय करना चाहो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मुझे पार्सल अभी रिसीव हुआ है और अभी इसे खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के बल्ब हैं। ये इस तरह से, इसमें मैंने तीन कलर्स बाय किए हैं इनसे, तीन वैरायटीज मतलब के, और ये दो दो हर कलर के मैंने ये दो दो किए हैं। ये हर किसी का अलग अलग से नाम भी है, ये इस तरह से, ये ऐसे, और ये इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं इनके साथ से भी, काफी अच्छा और मेच्योर साइज है बल्ब का, ये ऐसे। और ये वाले जो है ये इनके अंदर ही है दो, ये अलहदा नहीं हो रहे हैं उस तरह से, ये वाले भी, ये एक यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे। जब प्लांट करेंगे, ग्रो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे। काफी अच्छे और मैच्योर बल्ब्स हैं, हेल्दी बल्ब्स हैं, और काफी उम्मीदें हैं कि इन पे इस सीजन में फ्लावर्स आ जाएंगे। और ये जिस तरह से ये दो दो हो रहे हैं, और शायद इन पे ये दो दो ब्लूमिंग स्टॉक्स निकल जाए, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि शायद इस बड़े वाले पे ही निकले और छोटे वाले पे नेक्स्ट ईयर निकल जाए। तो डेफोडिल्स का इसी तरह से है कि जब भी आप बाय करो, लार्ज वाला अच्छे वाला बल्ब देख के बाय करो, क्योंकि अगर इसका बल्ब छोटा होगा तो उतने ज्यादा इसको टाइम लगेगा ब्लूमिंग पे आते आते, मैच्योर होते होते। लेकिन अगर आप मैच्योर ही बाय करोगे तो आपके चांसेस होंगे कि इस सीजन में आपके इसके ऊपर फ्लावर्स आ जाएंगे। मेरे पास ये सिंगल वाले डैफोडिल्स नहीं है, ये इस तरह से, ये लास्ट ईयर मैंने एक बल्ब लिया था और उसके साथ मैंने ये अब चार पॉट्स इसके बना लिए हैं। इतना ये मल्टीप्लाई होता है, ये बहुत सारा मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इसका जो फ्लावर है वो इसके मेच्योर बल्ब को ही आता है, जो छोटे छोटे से इस तरह से बल्ब होते हैं उनको फ्लावर नहीं आता। तो बल्ब को मेच्योर होते होते तकरीबन 3-4 साल लग जाते हैं। हर साल आप इस तरह से प्लांट कर देते हो, फिर वो ग्रो करता है, उसकी फुलेज ड्राई हो जाती है, आप उसको स्टोर करके रख देते हो, फिर नेक्स्ट ईयर उसको फिर से आप लगाते हो। तो इस तरह आपको 4 साल इसके साथ करना पड़ता है, उसके बाद 4 साल बाद जाके इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। जैसे कि ये इसके ऊपर फ्लावर आ रहे हैं अभी, ये इसके ऊपर ये बर्ड आ रहा है। जो मेन बल्ब था इसका मेच्योर वाला था, जिसके ऊपर लास्ट ईयर मेरे फ्लावर्स आए थे, ये वो वाला है। और ये बाकी सारे जो हैं ये इसके पप्स हैं, ये और इनमें से भी क्या पता कुछ इस साल मेच्योर हो जाएं, कुछ अगले साल मेच्योर हो। तो इसी तरह कुछ छोटे कुछ बड़े मिक्स ही अंदर होते हैं। तो आप सारे लगा दो, फिर जो मेच्योर हो जाएगा वो फ्लावर निकाल देगा, जो नहीं होगा वो फिर नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा ग्रो होके, तो वो जब वो मेच्योर, जब भी कभी वो मेच्योर होगा तो वो फ्लावर निकाल देगा। तो मोस्टली जो है ये तकरीबन 3-4 साल इसे लग ही जाते हैं फ्लावर्स निकालते निकालते। और इसकी पॉटिंग मिक्स में मैंने इस तरह से काउडंग और बालू मट्टी ली है, ये ऐसे। रेशो तो नहीं मुझे कुछ खास पता कि कितनी है, बस ये थोड़ी सी ये है आप देख लो, और थोड़ी ज्यादा सी जो है वो मिट्टी है। तो बस इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ये ऐसे। तो अभी इनको प्लांट करने के लिए ये मैंने कुछ पॉट्स निकाले हैं। ये पहले मैंने छोटे पॉट्स में लगाए हुए थे, और अभी मेरे पास छोटे पॉट्स थे भी नहीं, और ये कुछ बड़े पॉट्स थे, तो मैंने कहा चलो इन्हीं में लगाते हैं। वैसे आप इसको अगर बड़े पॉट में लगाओ तो वो इसके लिए ज्यादा अच्छा रह जाता है, क्योंकि इसका बल्ब जो है वो थोड़ा डीप लगना होता है। अगर इस साइज का पॉट है तो आप पॉट के सेंटर में इसे लगाओगे, ताकि इसके ऊपर भी थोड़ी जगह रह जाए और नीचे रूट्स के लिए जगह रह जाए। तो इसको इस तरह से मैं सेंटर में लगाऊंगा। और अभी इनकी प्लांटिंग स्टार्ट करते हैं। एक एक कलर जो है वो एक एक पॉट में रहेगा, ताकि मिक्स ना हो आपस में। और लगाना इनको बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये इस तरह से पॉट्स जैसे भी आपने तैयार करना, नीचे ड्रेनेज वगैरह को ब्लॉक करके, वो पीस वगैरह रख के, और ऊपर सॉइल से जिस तरह से करते हैं। और ये मैंने यहाँ पे इसका बल्ब रखा है, ये इस तरह से, नहीं सेंटर में नहीं रखना, क्योंकि दो मैंने इकट्ठे लगाने हैं इस पॉट में। तो ये थोड़ा साइड साइड पे इसको करते हैं, ताकि दोनों के लिए जगह बन जाए, ये इस तरह से। और इसको अब बाकी के सारे को ऊपर से सॉइल से फिल कर देते हैं। ये सारा पॉट जो है ये इस तरह से सॉइल से फिल हो जाएगा। हाँ, तो ये इस तरह से इसकी प्लांटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये बाकी दोनों कलर्स को भी इन दोनों पॉट्स में लगा के, तो फिर मैं दिखाता हूँ। बल्ब लगाने का आइडियल तरीका कुछ इस तरह से होता है कि बल्ब को हम उसके साइज के 2 times डीप लगाते हैं, मतलब कि जिस साइज का बल्ब है उतना ही हम उसको सॉइल में गहरा लगाते हैं। मतलब कि इस तरह से मैंने ये बल्ब रखा, और दूसरा बल्ब मैं उसके ऊपर से रख के चेक करूंगा, और ये स्केल के साथ ऊपर से लेवल चेक कर लूंगा कि जितनी जितनी इसके ऊपर सॉइल जो है वो आएगी। तो ये इस तरह से 2 गुना ये गहरा हो गया बल्ब हमारा। तो इसी तरह से ये दूसरा बल्ब साइड पे लगा के, तो ये जैसे पहले सॉइल फिल की थी, ये सारी सॉइल फिल करके, तो इसको भी तैयार कर देते हैं।
ये इस तरह से इनकी प्लांटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अभी इसे मैं पानी नहीं दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा बारिश वाला मौसम बना हुआ है। कल भी रात को सारी रात बारिश होती रही है, तो अभी भी फोरकास्ट में है कि बारिश होगी अभी एक दो दिन में, तो इसलिए अभी मैं इसे पानी नहीं दे रहा हूँ। क्या पता इस पे बारिश का पानी ही पड़ जाए। तो वैसे भी बादल है आजकल, तो धूप निकल नहीं रही है, तो इसलिए सॉइल इसकी ड्राई होगी नहीं, हल्की सी मॉइस्चर सॉइल। तो फिर जब धूप निकलती है तो फिर मैं इसको पानी देता हूँ, नहीं तो अगर बारिश का पानी मिल जाता है तो वो इसके लिए ज्यादा अच्छा रह जाएगा। और अभी ये इसको किसी सनी प्लेस पर रखते हैं कि नो डाउट धूप निकल तो नहीं रही है अभी आजकल, लेकिन फिर भी रखते हैं कि अगर कभी धूप निकलती है तो फिर इसको थोड़ी सी धूप भी मिल जाए। और ये मेरे कुछ पेपर वाइट्स हैं, ये इस तरह से इनके ऊपर, तो देखो ये फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, काफी दिनों के खिले हुए थे, अब ये खत्म हो रहे हैं इसके फ्लावर्स। और बारिश की वजह से वो फ्लावर की भी कोई शेप नहीं रहती है, इस तरह से गिरने लग जाते हैं। तो ये इस तरह से छोटे छोटे से इसके फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन ये जो अभी मैंने डबल वाले लिए हैं इसका मैंने एक दो तो पिक्चर्स देखी थी, तो उसमें काफी बड़े बड़े फ्लावर्स थे, मतलब कि ये इतने बड़े बड़े, इससे डबल ट्रिपल साइज का वो उसका फ्लावर होगा। लेकिन ये जो डैफोडिल्स हैं मेरे पास, ट्रेडिशनल वाले कॉमन वाले जो है, इनके फ्लावर भी सेम इसी साइज के होते हैं, लेकिन इसका अंदर से जो है वो व्हाइट येलो होता है और पेटल्स उसकी व्हाइट होती है। और इनकी पेपर वाइट्स की स्मेल तो इतनी कुछ खास नहीं होती है, इनफैक्ट मुझे तो बहुत गंदी सी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, लेकिन ये जो डैफोडिल्स हैं इनकी फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत मजे की होती है। ये इस तरह से, और इनकी अभी देखते हैं कि ये है तो ये डैफोडिल्स ही, लेकिन अभी इनका देखते हैं कि इनकी फ्रेग्रेंस कैसी होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, नहीं होती है। तो ठीक है, फिर अभी देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी रहती है और किस तरह के इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। बाकी ये मेरी डैफोडिल्स की कुछ पुरानी वीडियोस हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो फिर आप देखना कि ये किस तरह के थे मेरे और अभी ये किस तरह के हैं। और इसकी ग्रो एंड केयर की मैंने डिटेल जो है वो सारी वीडियोस पहले से जो पुरानी है मेरी वो मैंने शेयर की हुई है, वो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अभी आज 19 फरवरी है और इनकी स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये इस तरह से ये दो इसमें से निकल रहे हैं और इसमें से अभी एक ही निकला है, दूसरा शायद यहाँ से ये हल्का सा नजर आ रही है, इसका ये हेड नजर आ रहा है, तो दूसरा ये यहाँ से निकल रहा है। अभी इनकी स्प्राउटिंग जो है ये थोड़ा लेट हो गया, और इसमें से भी ये वो जो दो दो कट्ठे लगाए थे ना, वो जो एक बल्ब था उसके साथ से ये दूसरा था, तो ये वो इस तरह से निकल रहे हैं, ये दोनों दोनों उसमें से निकल रहे हैं, ये इस तरह से और ये इस तरह से, और इसके ऊपर ये बर्ड भी आने लग गए, ये इस तरह से, ये ऐसे। अभी इसके कितने से लीफ निकले हैं, दो इस तरफ से, दो इस तरफ से, चार लीफ अभी इसके निकले हैं, और साथ ही इसका ये बर्ड भी आने लग गया। ये इतना सा कुछ प्लांट है और साथ में ये इसका बर्ड आ रहा है, ये इस तरह से। तो अभी देखते हैं कि ये इनकी ग्रोथ कैसी रहती है। और बाकियों पे बर्ड्स का बात है, चार चार लीफ तो इनके भी निकल चुके हैं, इसके तीन निकले हैं और इसके चार निकल चुके हैं, तो इनके ऊपर भी बर्ड्स आना अभी आने ही वाले होंगे। तो ये अभी ऐसे चल रहे हैं, और अभी इसका बर्ड जो है ये इसके एनवेलप में से निकल रहा है, और इसके ये ऊपर वाला छिलका जो था ये ऐसे उतर गया है, और इसमें एक ही बर्ड निकला है। और मैंने अक्सर नोटिस किया है कि इसमें से डबल वाले जो फ्लावर्स हैं उसमें से एक स्टॉक के ऊपर एक ही बर्ड निकलता है, एक ही फ्लावर लगता है, या शायद दो भी लग जाते होंगे, लेकिन मेरा ये जो है इसमें फिलहाल एक मुझे नजर आ रहा है। क्या पता साइडों से कहीं से कोई और भी निकल रहा है, तो वो जैसा भी कुछ होता है वो बाद में हम देखते हैं, और फिलहाल किसी और में नहीं है। इसमें से एक छोटा सा जो मुझे वो अंदर करके दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो बहुत अंदर है, बहुत छोटा है, अभी उस तरह से नजर नहीं आ रहा होगा कैमरे में, तो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे देखते हैं। और बाकी ये जो है ये यहाँ पे इस तरह से हैं। और अभी ये इसका फ्लावर जो है ये खिल गया है, ये इस तरह से प्लेन येलो कलर है इसका सारा, और अंदर से कुछ थोड़ा बहुत ऑरेंज भी नजर आ रहा है। अब मैं इसे शेड में रख के दिखाता हूँ। और अभी जो बाकी हैं उसमें से इसमें से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है, और इसके लीफ भी छोटे छोटे से और टेढ़े मेढ़े से हो रहे हैं, आई डोंट नो इसे क्या प्रॉब्लम है। और इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो चल रही है, छोटे छोटे से भी बस थोड़े थोड़े से ग्रो हुए हैं। और इसमें ये जो बर्ड आ रहा था ये इस तरह से, ये थोड़ा सा जो है वो बाहर आया है, और इसमें से भी जो है वो अंदर से बर्ड मुझे नजर आना स्टार्ट हुआ है, तो वो अभी थोड़े दिनों तक वो भी बाहर निकल आएगा। इसे मैं थोड़ा शेड में रख के दिखाता हूँ कि ये किस तरह का लगता है। हाँ, तो ये इस तरह से कुछ इसका फ्लावर है, ये ऐसे, ये इसकी सेपल्स हैं, ये बाहर वाली जो पूरी खुली हुई है, और अंदर से ये जो इसकी पेटल्स हैं ये ऐसे हैं, और इसका कप जो है वो अंदर से कुछ इतना डिफाइंड नहीं है,
और साथ में ये इसकी ऑरेंज ऑरेंज सी कुछ शेड है। और अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो कुछ अजीब सी फ्रेग्रेंस है इसकी, जैसे कि डेफोडिल की वो दूसरे वाला जो व्हाइट कलर का होता है और येलो कलर का उसका कप होता है, उस तरह के डेफोडिल्स से इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और कुछ इतनी खास अच्छी भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वैसी ही हो, लेकिन वैसी इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, ये बस नाम का ही डैफोडिल है। और इसकी स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस जो है, ये वैसी नहीं है, थोड़ी गंदी सी भी मुझे लगी है। पेपर वाइट जैसे जैसे पेपर वाइट की थोड़ी स्टिंकी सी होती है, उस तरह से मुझे इसकी भी स्मेल जो है वो उसी तरह से लग रही है, लेकिन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है देखने और सूंघने में, जो है वो दिल नहीं करता कि इसे दोबारा से सूंघा जाए। तो ये इस तरह से कुछ इसका फ्लावर है, ये इतने से पॉट में लगा हुआ फ्लावर जो है दूर से देखने में वो बहुत मजे का लगा है। ये ऐसे सिंगल एक ही फ्लावर लगा हुआ है और ये कुछ पैक से इस तरह से है। ये फिर टर्न हो गई थी, वो जिसकी बर्ड जो आ रही थी वो इस तरह से, क्योंकि ये इसी तरह से थोड़ा फ्रंट वर्ड खिलता है, अपवर्ड नहीं खिलता, ये इस तरह से है ऐसे और ये ऐसे। तो अभी देखते हैं कि शायद ये कुछ मजीद अंदर से खुले, पता नहीं कि क्या पता अभी खुल रहा हो, अभी तो अभी मैंने देखा है तो वो खुला हुआ था, तो क्या पता ये अंदर से थोड़ा मजीद इसने खुलना हो, तो वो फिर जैसा भी कुछ होता है वो साथ साथ देखते हैं। और जैसे इस पे फ्लावर्स आ जाएं तो आप अगर चाहते हो कि आपके फ्लावर ये ज्यादा देर के लिए रहें तो आप इसे शेड में शिफ्ट कर दो, फिर जब तक इसका फ्लावर रहता है जब तक आप इसे शेड में ही रहने दो, फिर जब इसका फ्लावर खत्म होने लग जाए तो इसको वापस आप धूप में रख सकते हो, क्योंकि इसको बाद में फिर ग्रो करने के लिए, अपने अंदर फूड प्रोड्यूस करने के लिए, अपने एनर्जी सेव करने के लिए इसे धूप चाहिए होगी। तो इसलिए हम फ्लावर की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जस्ट इसे शेड में रखेंगे, अदरवाइज इसे धूप में ही रखना होगा। और वैसे भी अभी क्योंकि मार्च चल रहा है ये, तो गर्मी जस्ट स्टार्ट हो गई है, तो आप वैसे भी इसे हाफ डे सन में अगर रख दो तो वो इसके लिए ठीक होगा, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है तो इतनी ज्यादा धूप जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा गर्मियों की। अभी क्योंकि फुल डे सन निकल रहा है आजकल, तो उसमें हम इसको नहीं रखेंगे, हाफ डे सन में आप इसे रख दो तो वो प्लांट के लिए ठीक रहेगा। और जब फ्लावर आ जाए तो फिर आप इसे फुल्ली शेड में भी रख सकते हो, फ्लावर को काट के आप अपने इंडोर किसी वॉश वगैरह में भी डिस्प्ले के लिए रख सकते हो। और अगर आपका कोई पॉट ने अपने कोई अच्छे पॉट में लगाया हुआ है, या पॉट को पेंट वगैरह करके आप एज इट इज अपना पॉट पूरा उठा के भी इसे किसी इंडोर प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हो, तो ये इस तरह से। तो अभी देखते हैं कि इसका फ्लावर तब तक खिलता है पूरा और फिर इसमें क्या अपडेट्स रहती हैं। और अभी आज ये इस तरह से पूरा खिल गया है, ये ऐसे, अच्छा ये सारी जो इसकी पेटल्स थी ये इस तरह से खुली हुई हैं, और अंदर से जो इसका कप था वो भी कुछ इस तरह से है। तो अब ये कुछ अच्छा लग रहा है, कल तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। और ये कुछ इस तरह से हैं इसकी सेपल्स, इसकी पेटल्स, और ये सारा फ्लावर ऐसे है। और साथ में ये मेरे कुछ दूसरे फ्लावर भी खिले हुए हैं, ये ऐसे। और आज हमारे गार्डन में एक मेहमान आया है, ये आई डोंट नो ये क्या है, कोई कोयल है, कोई फाता है, क्या है, इसी तरह से पकड़ा हुआ था, वो बैठा हुआ था तो मैंने उसे पकड़ा तो वो उड़ा ही नहीं आगे से, तो फिर जब कहीं मेरे हाथ में है तो देखते हैं क्या करना है, इसे उड़ा देंगे या रख लेंगे, आई डोंट नो। तो ये इस तरह से, शक्ल तो दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ बेबी, ये ऐसे देखो। और ये मेरा डैफोडिल, ये कुछ इस तरह से है। अभी आज 14 मार्च है और इसका फ्लावर जो है ये इस तरह से सारा जो है वो मुरझा गया है, काफी दिन रहा है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो ये रहा ही है, और उसके बाद ये इस तरह से अब मुरझा गया है। तो इसको बस मैं ऊपर से पिंच कर दूंगा, इसकी केवल स्टॉक काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी ग्रीन है तो ये भी वो फूड प्रोडक्शन में काम करती रहती है। और इसके अलावा बाकी के जो है उनकी कुछ सूरत हाल इस तरह से है कि ये ड्राई होने लग गए हैं, ये इस तरह से, ये देखो इसके लीफ ड्राई होने लगे, और इनके जो बर्ड्स निकल रहे थे अंदर से ये वाले, ये भी ड्राई होने लग गए हैं। तो मतलब कि ये देखो ये वाला बर्ड भी इसका ड्राई होने लग गया, मतलब कि इसका जो है वो टाइम वो ओवर हो रहा है, लेकिन वो फ्लावर्स नहीं इसमें आए हैं क्योंकि ये लेट लगाए गए थे, तो इस वजह से अब इसका टाइम ओवर हो रहा है, तो वो फ्लावर निकाले बगैर ही जो है उसके बर्ड्स ये इस तरह से
खत्म होने लगे हैं, तो इनके ऊपर अब फ्लावर्स नहीं आएंगे, अब इनके ऊपर नेक्स्ट सीजन में फ्लावर्स आएंगे। तो ये फिलहाल इस तरह से अभी इनकी फोलियज जो है वो ग्रीन है, तो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे इनकी ड्राई हो रही है इस तरह से बाकी सबकी भी ड्राई जब हो जाएगी तो फिर इन्हें निकाल के स्टोर करेंगे। और दूसरा ये कि इनकी वॉटरिंग जो है वो अभी थोड़ी कम कर देनी है, फर्टिलाइजर भी एक दफा बस इसे हल्का समय दे दूंगा थोड़ा सारा, और बाकी इनकी वॉटरिंग जो है वो मैंने कम कर देनी है, और जगह भी जो है इनकी मैंने थोड़ी लेस सनी प्लेस पे रख दिया जहां पे थोड़ी टाइम के लिए धूप आती है। फुल डे सन में अब नहीं रखा क्योंकि अभी वैसे भी मार्च आ गए, तो मार्च में वैसे भी धूप जो है वो ऐसा ऐसा से तेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो ज्यादा धूप में इन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब बस ये जो लीफ इनकी ग्रीन है ये ऐसा ऐसा से ब्राउन करेंगे, और उसके बाद जब ये सारे ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसे निकाल के रख लेंगे। तो फिलहाल ये कुछ इस तरह से, तो देखते हैं कि ये कब तक ऐसे रहता है और कब तक फिर ये नेक्स्ट लेवल तक जाता है। तो जैसा भी कुछ होता है वो साथ साथ देखते हैं। हाँ, तो ये डेफोडिल्स इसको मैंने इसकी वॉटरिंग जो है वो स्टॉप कर दी हुई थी, हमारे यहाँ पे बारिशें हुई हैं तो उस वजह से ही ये थोड़ा सॉइल जो है इसकी गीली गीली सी लग रही होगी, बाकी मैंने खुद से इसकी वॉटरिंग जो है वो स्टॉप कर दी हुई है। बाकी इसके ये जो लीफ हैं ये इस तरह से एक दो जो अभी अंदर वाले हैं वो अभी ग्रीन हैं, वो जो के अभी नहीं निकल रहे हैं ऐसे, तो ये भी बस थोड़े दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही सारे सूख जाएंगे। ये जैसे निकल रहे हैं बाकी के सारे ड्राई हो गए हैं, येलो हो गए हैं, तो इस तरह से ये जो बाकी के ग्रीन हैं ये भी इसी तरह से येलो हो जाएंगे। और अभी इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ और होगा नहीं, और ना ही मैंने इसके बल्ब अभी निकालने हैं। आपने देखा ही होगा कि जब मैंने इसको लगाए थे तो एक पॉट में मैंने जस्ट ये दो दो बल्ब लगाए थे, और अभी ये इतने सारे मल्टीप्लाई भी नहीं हुए हैं कि इसको मैं निकाल के और लूज करके लगाऊं, खुला खुला करके लगाऊं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं यहीं पे रहने दूं, इन्हीं पॉट्स में मैं रहने दूं, और फिर अगले साल जो है ये इसको दोबारा से इसी में पानी देना स्टार्ट कर दूंगा। फिर जब फ्लावर्स आएंगे, जब ये क्राउडेड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे काफी ज्यादा, तो फिर इसको निकालूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, और इसको मैं पानी तो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं इसको उठा के किसी ठंडी और डार्क प्लेस पे मैं इसे रख दूंगा। लाइक हमारे बेसमेंट में काफी अच्छी जगह होती है, सारी गर्मियों में वहां ठंड भी रहती है और अंधेरा भी रहता है क्योंकि वहां पे इतना आना जाना नहीं होता, तो इसलिए मैं अब इसको उठा के अपनी बेसमेंट में रख लूंगा। ऐसी पॉट मैंने इसके पूरे के पूरे उठा के बल्ब मैंने नहीं निकालने हैं, वो इसके अंदर ही रहेंगे, और कुछ और मैंने नहीं करना है इसको, कुछ मजीद इस पे नहीं डालना, ना तो कोई सॉइल निकालनी है, ना कुछ मैंने डालना है, एज इट इज मैंने उठा के इसको रख देने हैं। फिर ये जो बाकी के लीव्स हैं ये भी वहां पे पड़े पड़े जो है होते रहेंगे, ड्राई होते रहेंगे, और फिर ये जब सूख जाएंगे तो फिर भी ये बाद में उधर ही पड़ा रहेगा। तो अगले साल फिर अब देखेंगे कि इसके बाकी के फ्लावर्स जो हैं वो किस तरह से निकलते हैं नहीं निकलते हैं, वो जो भी कुछ होगा वो इसके सीजन टू में डिस्कस करेंगे। तो बाकी इसके डैफोडिल्स वो जो सिंगल वाले थे और इसे रिलेटेड एक पेपर वाइट्स हैं, वो उनके जो हैं वीडियोस के लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना कि सिंगल वाले डैफोडिल्स किस तरह के होते हैं और पेपर वाइट्स किस तरह के होते हैं, एक ही फैमिली है सारी, तो वो थोड़ा आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह के बल्ब्स को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और इस पे किस तरह के फ्लावर्स आते हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं इसके सीजन टू में, जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।